नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कानपुर की महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र के नौबस्ता हंसपुरम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे, जहां उन्होंने कैबिनेट मंत्री सतीश महाना के महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र में शुक्रवार को मंच से रिमोट द्वारा 101 सड़कों का शिलान्यास किया, जिसके बाद डिप्टी सीएम ने एक सभा को भी संबोधित किया, जहां डिप्टी सीएम ने कहा कि जब से यूपी में बीजेपी की सरकार बनी है, तब से केवल महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र में 142,77,00,000 की परियोजनाओं का शुरुआत हो चुका है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उनको लगता था कि बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो उनकी साइकिल पंचर हो जाएगी, सपा प्रदेश में विकास के आड़े आती थी। वहीं डिप्टी सीएम ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी 200 सीटें जीतने जा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सुगबुगाहट से ममता सरकार बौखलाई हुई है। वहीं कानून व्यवस्था पर कहा कि आज जो उत्तर प्रदेश की भूमाफिया और अपराधी भागे भागे फिर रहे हैं, कानपुर आगे बढ़े, इस पर हमारे अधिकारी काम कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्षद से ज्यादा मंत्री सतीश महाना कार्य के लिए प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा, जनता ने 2014 में मजबूत प्रधानमंत्री को गद्दी पर बैठाया है। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम ने अपने दूसरे कार्यकाल कोरोना को आपदा में अवसर तलाश किया। साथ ही बजट पर बोलते हुए कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार का बजट जनता को समर्पित है। पिछली सरकारों का नारा था कि कुछ का साथ कुछ का विकास, मगर हमारी सरकार में किसी का भेदभाव नहीं किया जाता। आज लोग उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं, विकास सरकार की प्राथमिकता में है। आज जो बजट आया है उसमें महिलाओं किसान का ध्यान रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN। GDP में योगदान करने वाले प्रदेश में उत्तर प्रदेश ने देश में दूसरा स्थान अर्जित करने का काम किया। केंद्र सरकार का बजट आया, प्रदेश सरकार का बजट आया, दोनों बजट किसके लिए समर्पित है? देशवासियों और प्रदेशवासियों के लिए समर्पित है। हमारे प्रधानमंत्री जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का कहना रहता है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, लेकिन बाकी दलों का क्या रहता है? कुछ का साथ और कुछ का विकास। कुछ का साथ कुछ का विकास करने से प्रदेश का और देश का भला नहीं हो सकता है। आज हम दावे से कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में विकास के मामले में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है और ना हमारी सरकार की यह नीति है। लेकिन जब हम उत्तर प्रदेश में विधायक थे, आदरणीय महाना जी तो वरिष्ठ थे, अपने क्षेत्र में सब कुछ ला पाते थे, लेकिन हम लोग विधायक, मैं भी सिरासन से विधायक था 2012 में, और भी विधायक थे, कौन किस पार्टी का है ये देख करके विकास की योजनाओं को देने का काम किया जाता था। लेकिन हमारी सरकार में, मेरे मित्रों, मैं बताना चाहता हूँ, कोई भेदभाव नहीं है और सब विभाग प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों के लिए, सभी 80 लोकसभा सीटों के लिए, सभी 75 जिलों के लिए बिना भेदभाव विकास के पथ पर प्रदेश को आगे ले जाने का निरंतर काम किया जा रहा है। We'll be right back.